तारण साहब हमेशा ये बात करते हैं कि हमारा जो अव्वलीन ड्यूटी है पार्लियामान में बैठ के वो लेजिस्लेटिव बिजनेस है, और अगर लेजिस्लेटिव बिजनेस में सीरियसनेस नहीं आएगी, अगर क्वालिटी के कवानीन पास नहीं होंगे, अगर कवानीन को पास करते हुए जाब्तों को, कानून को, आईन को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा, तो मैं समझता हूं कि हम अपनी ये ड्यूटी जो है, जो हम पे अवाम ने तफवीज की है, हम उससे ओदाबरा नहीं हो रहे। आज देखिए, मैंने बहुत देर के बाद देखा है कि किसी बिल के ऊपर हाउस ओपन किया गया है। काश के ये स्टेट बैंक बिल पे, ईवीएम वाले इश्यूज पे भी इसी तरह हाउस ओपन किया जाता कि जिस काम के लिए हम यहाँ पे ईवीएम पे वैसे ओपन था नहीं जी, बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे तो हमने देखा है डेढ़ डेढ़ मिनट में वो बिल पास हो गए जिन्होंने मुल्क की तकदीर बदल दी। तो हमें ये मौका दिया जाए बोलने से चीजें इसलाह। आप देखिए, इतने काबिल वजीरे कानून की मौजूदगी में इतना बड़ा लीगल लकुना आ जाना कि आईने पाकिस्तान से नहीं हो गई और कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे आज भी यकीन है कि कोई जवाब तलबी नहीं करेगा वजीरे कानून की, उनकी मिनिस्ट्री की, उन लोगों से कि आप किस तरह के मामलात चला रहे हैं, आईन से सीधी सीधी रूगरदानी हो रही है। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जो बात लीडर ऑफ अपोजिशन ने की, जो बात सेनेटर मुश्ताक साहब ने की, रजा रबानी साहब ने, शहरी रहमान साहबा ने, हम आपके लिए तावन करने के लिए तैयार हैं। हमारा कोई इस तरह का नहीं है इरादा कि हम गवर्नमेंट को इस बात पर रोक रहे हैं कि ये अच्छा ना करे, ये अच्छा ना करे, अच्छे काम करे, लेकिन कानून कायदे के तहत करे। और एक मेहरबानी करें कि हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, रियासत ने यहां पर रहना है, अवाम ने यहां पर रहना है। खुदा के लिए आप जमहूरी तरीके कार के मुताबिक चले, अवाम के दिल की, अवाम की बात भी सुन लें, जो अवाम के लिए अच्छा है वो भी करें। हम सब आपके साथ होंगे। आप पीपल फ्रेंडली लेजिस्लेशन लेके आए, आपको एक डेसेंट वोट नहीं आएगा, एक डेसेंट नहीं आएगी। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन सर। सर, आई फुली इंडोर्स द व्यूज ऑफ द ऑनरेबल मेंबर। एक पॉइंट से मैंने आपको बताना है, ये जो पेपर है इट इज़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन। उधर कहीं नहीं लिखा हुआ कि IMF ने कहा है कि ये पास कर दें विदाउट द पार्लियामेंट। उन्होंने कहा है कि काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट से इंडोर्स करवाएं, ये उन्होंने कहा है। और ये अगर चाहें तो मैं चेयरमैन साहब को भेज सकता हूँ। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि उनको बाईपास ना करें, प्रोविंशियल राइट्स जो हैं वो उनको मिलने चाहिए। और अगर सूबों में एहसास महरूमी पहले भी ज्यादा है, उसको एहसास महरूमी ना होने दें। जी ठीक। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट सर, उन्होंने कोई इस पे क्लेरिफिकेशन, या आप सर? जी सर, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट सर। सर कुछ इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूंगा, हो सकता है कुछ कंसर्न्स ऑनरेबल अपोजिशन के मेंबरान की जो है वो एड्रेस हो जाएं, लेकिन इस पे मुनासिब शख्सियत में हमाद अजहर साहब हैं, और अगर आप अपोजिशन चाहती है तो अभी उनको बुला भी लेते हैं, इस पे वो ब्रीफ भी कर देंगे। मुझे जो इन्फॉर्मेशन ओगरा वालों ने अभी प्रोवाइड की है, जो बहुत बड़ा इस पे इशू जो डिस्कशन हुई, मुश्ताक साहब ने रेज़ किया, फिर उसके बाद बाकी दोस्तों ने भी बात की कि ये जो पहला बिल है इस पे, तो ये 17/12/2019 का ये CCI को भेजा गया, और उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है ओगरा ने, तो 23/12/2019 को पहला बिल तो CCI पास कर चुकी है, लेकिन जो दूसरा बिल है वो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो ये है कि कैबिनेट में आया बेस्ड अपॉन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसमें ये बात है कि CCI की अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो पार्लियामेंट से सुप्रा बॉडी नहीं है, कि ऐसा कोई शायद जजमेंट होगी। तो उसके बुनियाद पर इसको उन्होंने मुझे बताया कि CCLC को भेजा गया, जो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस है, दूसरा वाला। पहला वाला ओगरा जो है वो CCI से हो चुका है, पहला वाला जो आपकी कंसर्न थी। दूसरे में अगर कोई आपके इशूज हैं तो उस, जी पहला वाला जो है वो CCI से 23/12/2019 को ये हो चुका है CCI से। दूसरा वाला जो है वो CCLC को भेजा गया था, लेकिन उस पर अगर आपको मजीद क्लेरिफिकेशन चाहिए तो मिनिस्टर एनर्जी को, हमाद साहब को हम बुला लेते हैं, आपको मजीद इस पर ब्रीफ कर देते हैं। मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि आपकी जो हुकूमत है वो किसी भी सूरत में कोई गैर आइनी काम ना हमने किया है, ना कोई गैर आइनी काम हम करेंगे, और जो कोई काम होगा उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपके साथ डिस्कशन होगी। और
ये अश्योरेंस दोबारा मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी या फेडरल कैबिनेट या कोई भी हमारा इदारा आईन को बायपास करने का सोच भी नहीं सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट सूबे को दिए गए हैं उस पर तो हम आपके साथ इकट्ठे खड़े हैं। पख्तूनख्वा का कोई राइट है, बलोचिस्तान का है या पंजाब या सिंध का, तो उसमें तो जो राइट्स हैं सूबाई हकूक हैं उसके लिए जाहिर हम सूबों से ही इलेक्ट होकर आए हैं, उस पर तो हम सब एक पेज पे हैं। दोबारा मैं कहना चाहता हूँ कि सी सी आई को बाईपास करना, आईन की खिलाफ वर्जी करना, इस हुकूमत का ना कोई इरादा था ना है, और अगर कोई ऐसा कोई सुकम है आप उसकी निशानदेही करें, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी यहाँ के आज ही आपको उसको कर देंगे, आप उसको एडजॉइन करें कुछ देर के लिए, उसको उनको बुला लेते हैं, तब तक और भी बिजनेस है वो ले लेते हैं। तो ये अश्योरेंस है कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन काम ना हमने किया है ना करेंगे, और जो पहला था उस पर तो क्लैरिफिकेशन मैंने कर भी दिया, शायद आपके नॉलेज में नहीं होगा, ओगरा की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 23/12/2019 को पहला बिल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से पास हो चुका है। शुक्रिया जी।